नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भारत के संसदीय इतिहास में यह तीसरा मौका है जब लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। एनडीए गठबंधन की ओर से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनाने की तैयारी है, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए 8 बार के सांसद के सुरेश को प्रत्याशी बनाया है और इसी बात को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, हमारी राय पार्टी की है, वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। लोकतंत्र के मंदिर का स्पीकर कौन होगा? किसके आदेश के बिना लोकसभा में पत्ता भी नहीं हिल सकेगा? इसका इंतजार एनडीए के साथ पूरे इंडिया गठबंधन को है, क्योंकि इस बार हर बार की तरह सर्वसम्मति से स्पीकर नहीं चुना गया है और चुनाव के जरिए इसका फैसला किया जाएगा। बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम सहमति नहीं बनी। सत्ता पक्ष ने ओम बिरला को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने के सुरेश को इस पोस्ट के लिए अपने प्रत्याशी बनाया है। ओम बिरला बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। के सुरेश केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। ओम बिरला 2019 में भी स्पीकर बने थे। के सुरेश 2012 से 14 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बन सकते हैं। के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद बने। स्पीकर पद के लिए दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, यानी अब लोकसभा स्पीकर के लिए कल वोटिंग होनी है। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है, तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। यहाँ तक खारगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। यहाँ तक खारगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। दरअसल विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद की डिमांड कर रहा था और इसी के बाद ये तकरार भी शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा है, हालांकि बहुत साफ तौर पर एनडीए के साथ है। पर इस पूरी तकरार के बीच सवाल ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच सदन की पहली टक्कर किसका होगा डिप्टी स्पीकर? कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि आप डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो ये अच्छी बात है। यानी अब सारा खेल नंबर का है, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव के परिणाम एनडीए के पक्ष में आए हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीर लोकसभा स्पीकर के चुनाव की देखने वाली है। इसके बावजूद बिना लड़े विपक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। मोदी के साथ 293 सांसदों का दम है, तो राहुल गांधी के साथ 233 सांसद हैं।
और अदर 16 सांसद फिलहाल किसी के साथ नहीं है। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन की नजर उन 16 निर्दलीय सांसदों पर है जो एनडीए को 300 पार और विपक्षी गठबंधन को मुकाबले में बनाए रख सकते हैं, जो बेहद ही रोचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है और यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना दिमाग लगाए केजरीवाल को जमानत दी थी। हाईकोर्ट के फैसले पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। आज एक बार फिर केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उसके अगले ही दिन 21 जनवरी को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया था और इसको लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया और केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाते हुए निचली अदालत के आदेश को लेकर 5 बड़ी बातें कही। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले से साफ है कि जज ने बिना पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए ही आदेश पारित कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वेकेशन जज को आदेश पारित करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज देखने चाहिए थे और ईडी की दलीलों को विचार में लेना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कहा, जज ने जो टिप्पणी आदेश में की है उसकी जरूरत नहीं थी। ये दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट का ये निष्कर्ष कि ईडी की केजरीवाल के प्रति दुर्भावना थी पूरी तरह गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले के आदेश में ही केजरीवाल के इस तरह के दावे को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि जज ने अपने फैसले में पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 की जमानत की शर्तों के प्रावधान का जिक्र नहीं किया। हाई कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के जिन प्रावधानों का जिक्र किया उसमें आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है जब अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए इन प्रावधानों की अनदेखी की, ऐसा हाई कोर्ट ने माना है। लेकिन हाई कोर्ट का ये फैसला आने के बाद अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित है और वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ऑर्डर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जज ने क्या कहा, किस बात पे बेल दी, और वो बात जो बेल पे दी वो सही थी या गलत थी, उस पे आप उसको स्टे कर सकते हैं ना। जब आपने वो ऑर्डर ही नहीं देखा तो आपने उसको स्टे कर दिया। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह से ग्रसित था, उन्होंने पहले ही कुछ जो है मन में सोचा हुआ था। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर गलती की। अपराधी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं कि हम माननीय कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है, ये सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। आपकी सहमति असहमति विषय पे हो सकती है, लेकिन माननीय कोर्ट के प्रति अगर आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो ठीक नहीं है। केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। पिछले हफ्ते जब निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दी थी तो आम आदमी पार्टी ने इस फैसले की तारीफ की थी, लोकतंत्र की जीत बताई थी, लेकिन अब पार्टी आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात ऑनलाइन गेम के जाल की। इंदौर में नाबालिग छात्रा की खुदकुशी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि छात्रा ने ऑनलाइन गेम का टास्क पूरा करने के लिए बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। क्या ऑनलाइन गेम ने ही जान ली है अंजलि की, आइए जानते हैं। ऑनलाइन गेम का जाल फिर बना है काल। गेम टास्क में फंसी अंजलि, बिल्डिंग से कूद कर की खुदकुशी। इंदौर की नाबालिग छात्रा अंजलि ने बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूद कर क्यों जान दी,
बीते कई दिनों से पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है और अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। क्या अंजलि ने गेम टास्क पूरा करने के लिए खुदकुशी की? अब तक अंजलि की खुदकुशी से जुड़ी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑनलाइन गेम उसकी मौत की वजह हो सकता है। ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम ने ही मासूम की जान ली। घंटों रोब्लॉक्स गेम खेलती थी अंजलि। गेम में बनाए थे 45 दोस्त। गेम में दिए जाते थे कई टास्क। ऊंचाई से कूदने का भी था टास्क। दोस्तों को भेजी थी ऊंचाई की फोटो। बताया जा रहा है कि अंजलि घंटों बंद कमरे में ऑनलाइन गेम खेलती थी। अपनी मां की मोबाइल से सहेलियों को ऊंचाई के फोटो भी भेजती थी। अंजलि परिवार के लोगों से भी कम बातचीत करती थी। भाई ने कई बार समझाया था लेकिन अंजलि लगातार ऑनलाइन गेम खेलती थी। अंजलि के भाई आदित्य ने भी पुलिस को जानकारी दी है। बच्ची का आईपैड फिलहाल लॉक है और पुलिस कंपनी के जरिए इसे खुलवाने की कोशिश कर रही है। नया पैटर्न है जो हमारे बच्चे हैं और जो युवा पीढ़ी है उनको एक तरीके से वीडियो गेम की लत लग रही है। ये बच्ची भी इसी तरीके के एक वीडियो गेम की लती थी क्योंकि वो आइसोलेशन में रहती थी, सोशल सर्किल बहुत कम थी, सोशल कैपिटल उसकी उस तरह की नहीं थी, तो वो वीडियो पर वीडियो गेम पे ज़्यादा फोकस थी। ऐसा हमारे जांच में ये तथ्य आया है कि किसी वीडियो गेम में उसको ये टास्क दिया गया था कि वो एक ऊंची जगह से जाके जंप करे। तो निश्चित तौर पे हम इसका पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। जो भी वीडियो गेम के संचालक हैं या जो भी इसको चला रहे हैं उनको भी हम इस जांच के घेरे में लेंगे। पहले भी दुनिया भर में ऑनलाइन गेम के चक्कर में खुदकुशी के मामले सामने आ चुके हैं। ब्लू व्हेल चैलेंज नाम के गेम ने तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। भारत सरकार ने गेम को लेकर एडवाइजरी तक जारी की थी। हालांकि पुलिस फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग को खुदकुशी की वजह नहीं मान रही है। मामले की पड़ताल जारी है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18, इंदौर। ना जय हिंद, ना जय संविधान, ना भारत माता की जय और ना लोकतंत्र की जय, सीधा जय फिलिस्तीन। सोचिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि भारत का एक चुना हुआ सांसद जिसे भारत माता की जय बोलने से तो दिक्कत है लेकिन देश के संसद में खड़े होकर फिलिस्तीन का जयकारा लगाने से कोई दिक्कत नहीं। शपथ के दौरान नारे तो और भी लगे लेकिन जय हिंदू राष्ट्र और जय संविधान के। जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय संविधान। लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों की शपथ सियासी अग्निपथ से कम नहीं, क्योंकि कोई शपथ के बाद जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है तो कोई जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत की आवाज बुलंद कर रहा है। जय फलस्तीन, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। सदन से सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तब आई जब AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। जय फलस्तीन। शपथ के बाद उन्होंने सबसे पहले जय भीम बोला, इसके बाद जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया था बीजेपी, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है।
अच्छा तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना, जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं उनको रिकॉर्ड चाहिए, छोड़िए ना बोलने का, बोल दिया अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जत करा रहे हैं, जय अब हम उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे। लेकिन फिलिस्तीन को लेकर लगाए गए नारे के बाद सियासत गर्मा गई। इसके बाद सभापति ने इसे रिकॉर्ड से हटा दिया, तो वहीं बरेली से सांसद छत्रपाल गंगवार ने शपथ लेने के बाद जाते जाते ऐसा नारा लगा दिया जिससे सदन में हलचल मच गई। शपथ लेने के बाद गंगवार ने जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया। गंगवार के इस नारे के बाद विपक्ष बरस पड़ा और विपक्षी सांसदों ने संसद में हंगामा शुरू कर दिया। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। हालांकि इन विवादों के बीच दो लड़कों की तस्वीर भी सदन से सामने आई, जिसमें उन्होंने संविधान की कॉपी के साथ शपथ ली। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने शपथ लेने के बाद जय संविधान के नारे भी लगाए। I, राहुल गांधी, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. मैं अखिलेश यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। लोकतंत्र के मंदिर में शपथ ग्रहण की तस्वीरें और भी हैं, लेकिन जो विवाद ओवैसी ने खड़ा किया, जो मुद्दा बरेली के सांसद ने उठाया, अब उस पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी पर संतों की नाराजगी जारी है। कल ब्रज के संतों ने महापंचायत कर पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में एंट्री पर रोक लगाई थी, और अब मौनी तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमानानंद गिरी महाराज ने उनके खिलाफ FIR की मांग की है। राधा रानी पर टिप्पणी, पंडित प्रदीप मिश्रा को भारी पड़ती नजर आ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मथुरा में महापंचायत के बाद अब मौनी तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ उज्जैन SP, कलेक्टर और थाने में आवेदन देकर FIR दर्ज करने की मांग की है। ब्रज के संत भी काफी नाराज हैं। कल संतों ने महापंचायत बुलाई थी, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रज में नो एंट्री का फैसला लिया गया था। ब्रज के किसी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा के जाने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, संतों का ये भी कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा अगर माफी मांगने आएंगे तो बिना संतों और महंतों की अनुमति के उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर क्षमा मांगे और कहे कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, जो मेरे द्वारा ये मंत्रव्य दिया गया, फिर आने का अपनी सूचना दें कि वो राधा रानी मंदिर कब आ रहे हैं। यदि वो शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं तो मंदिर में प्रवेश नहीं है, वो हमारे कहीं भी आ जाए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने पिछले दिनों राधा रानी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें प्रेमानंद जी महाराज ने भी खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन बाद में मंत्री कैलाश विजय वर्गी की पहल पर दोनों के बीच सुलह हो गई थी। उनसे सुलह होने के बाद लगा कि शायद मामला सुलझ गया, लेकिन यहां तो बात और बिगड़ती नजर आ रही है। प्रेमानंद जी महाराज ने भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा को माफ कर दिया हो, लेकिन संतों ने माफी नहीं दी है।
राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा घिर गए हैं। उनके बयान को लेकर संतों में नाराजगी है। महामंडलेश्वर सुमना नंदगिरी महाराज ने FIR की मांग की है। ब्रज के संत तो उनके बयान से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में आने पर ही रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। स्पीकर चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी, दिल्ली में इंडिया के फ्लोर लीडर्स की बड़ी बैठक हो रही है। स्पीकर चुनाव से पहले खड़गे के घर पर यह मीटिंग हो रही है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा हो रही है। इंडिया के नेता बैठक में मौजूद है। बता दें, खास बात यह है कि इस बैठक में TMC सांसद डेरेक और ब्रायन और कल्याण बनर्जी भी पहुंचे हैं। तो इंडिया गठबंधन की यह बैठक बेहद खास, चूंकि स्पीकर को लेकर के चुनाव होना है और अब यह बैठक हो रही है खड़गे के निवास पर। माना जा रहा है कि इसमें चर्चा होगी आखिर किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, क्योंकि कल चुनाव है। उसके बाद जो भी स्थिति बनती है उसके बाद भी कैसा फैसला लेना होगा, कैसी रणनीतियां बनानी होगी, सभी मुद्दे होंगे वो तमाम जिन पर चर्चा हो रही होगी। बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की, तमाम वो दिग्गज मौजूद हैं। चूंकि स्पीकर चुनाव से पहले ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि स्पीकर का कल चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के, स्पीकर के चुनाव को लेकर के ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इंडिया गठबंधन की यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, चूंकि कल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले यह बैठक, सभी सदस्य लगभग मौजूद हैं और खड़गे के निवास पर यह बैठक हो रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं, खड़गे हैं, पास में राहुल गांधी भी बैठे हैं और चर्चा कल के चुनाव को लेकर। मोहन कैबिनेट ने मंत्रियों के इनकम टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सीएम समेत सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे, यानी सरकार पर मंत्री और सीएम के इनकम टैक्स को लेकर वित्तीय बोझ नहीं आएगा। 52 साल बाद मोहन सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बने नियम को बदल दिया है। 1972 में सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने को लेकर नियम बनाया गया था। साल 2023-24 के वित्तीय साल की बात करें तो 79.07 लाख बतौर इनकम टैक्स भी दिया गया। लिहाजा अब शासन पर मंत्रियों के इनकम टैक्स को लेकर कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारे अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरंगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था।